पर एक LCD डिस्प्ले होता है जो कई पैरामीटर्स दिखाता है। सबसे पहले ये LCD सेगमेंट ऑन दिखाता है। इसके बाद पहला KWH आपके मीटर की करंट यानी मौजूदा रीडिंग दिखाता है, जिसका बिल बनाते समय उपयोग होता है। MD यानी मैक्सिमम डिमांड उस अधिकतम लोड को दर्शाता है जो कि पिछले महीने में कम से कम 30 मिनट के लिए चलाया गया था। डिस्प्ले में KW आपकी करंट मंथ की अधिकतम डिमांड को दिखाता है। इसके बाद पिछले 4 बिलों में दी गई अधिकतम डिमांड B1, B2, B3 और B4 दिखाई देती है। यदि आपका LCD डिस्प्ले कुछ नहीं दिखा रहा तो कुछ देर इंतजार करें। मीटर स्लीप मोड में है, इसके लिए कंप्लेंट करने की आवश्यकता नहीं है। फेज यानी हरी LED दर्शाती है कि पावर सप्लाई मीटर तक आ रही है और मीटर सक्रिय है। कैल यानी कैलिब्रेशन LED मीटर पर रनिंग लोड और बिजली की खपत के अनुरूप ब्लिंक करती है। इसी LED के साथ एक नंबर होता है जिसे मीटर कांस्टेंट कहते हैं। मीटर कांस्टेंट का मतलब ये है कि एक यूनिट बिजली की खपत के दौरान कैल LED उतनी बार ब्लिंक करेगी। अगर आपको लगता है कि आपका मीटर असामान्य तरीके से चल रहा है तो आप मीटर की जांच के लिए सूचित करने से पहले कृपया ये चीजें चेक कर लें। ELT LED ऑन होना या LCD डिस्प्ले में अर्थ लीकेज का सिंबल घर की वायरिंग में लीकेज को दर्शाता है। रिवर्स LED ऑन होना या LCD डिस्प्ले में रिवर्स सिंबल इंटरनल वायरिंग में न्यूट्रल मिक्सिंग को दर्शाता है। इन दोनों स्थितियों में प्राइवेट इलेक्ट्रिशियन से घर की वायरिंग को चेक करवाने की आवश्यकता है। तीसरा, आप ये चेक कर लें कहीं आपकी बिजली चोरी तो नहीं हो रही। चेक कर लें कहीं कोई और आपके मीटर से बिजली इस्तेमाल ना कर रहा हो। यदि इसके बाद भी आपकी समस्या हल ना हो तो आप हमारे संपर्क केंद्र 011-6640-4040 पर या नजदीकी कस्टमर केयर सेंटर पर जाकर मीटर की जांच करवाने का अनुरोध कर सकते हैं। कृपया ध्यान दें, मीटर के तुरंत बाद MCCB या ELCB सुरक्षा उपकरण अवश्य लगवाएं। अपने घर में प्रॉपर वायरिंग सुनिश्चित करें। मीटर पर क्षमता यानी सैंक्शनड लोड से अधिक लोड ना डालें। मीटर के आसपास कोई भी ज्वलनशील पदार्थ न रखें एवं पानी से आने वाली सीलन से मीटर को सुरक्षित रखें। मीटर की सील से किसी प्रकार की छेड़छाड़ न करें। मीटर को सुरक्षित रखना आपकी जिम्मेदारी है।